हेलो यूट्यूब, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम हेडसेट की अनबॉक्सिंग की थी। इस वीडियो में उसे हेलमेट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने प्री इंस्टॉल करके रखा है, अभी भी मैंने कोई चीज़ फिक्स नहीं की है। इसे इंस्टॉल करने का सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ। कैसे इंस्टॉल करेंगे, कोई चेयर ले लीजिए और आपकी थाइस के ऊपर इस तरीके से रखिए और फिर आप इसे प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। 3 से 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो अगर आप ध्यान देंगे तो उसे बड़ी आसानी से आप अपने हेलमेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माइक है, ये उसका हेडसेट का अटैचमेंट है, ये ब्लूटूथ है और यहाँ पे अगर अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये ईयर पीस है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब मैं इसको वापस निकाल के आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो काम आपको करना है, ये आपका ब्लूटूथ हेडसेट है, इसके साथ बॉक्स में आपके आता है एक वेलक्रो अटैचमेंट जो कि स्टिकर के साथ लगा होता है, इसे आपको इस तरीके से लगाना है। और इसके बाद हेलमेट के ऊपर इसकी फिटिंग चेक करनी है, कहाँ पे आपको स्लोप दिखाई दे रहा होगा। तो ये हेलमेट के डिज़ाइन के हिसाब से ही है, अलग अलग हेलमेट पे ये अलग अलग जगह फिट होगा, ये यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद मार्कर से आपको उसे जहाँ भी हो, आप ये इसे बिठाते वक्त ये ध्यान दीजिए कि इसमें प्ले नहीं होना चाहिए और ये परफेक्ट एकदम बैठा हो। फिर आपको मार्कर से उसे एक मार्क बना देना है। ये क्यों करना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये मार्कर से आपने मार्क बना दिया, अब बारी आती है ये स्टिकर को इसके पीछे चिपकाने की। ये वेलक्रो अटैचमेंट है, अब जैसे ही आप मार्क बना लेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर सेट जगह होगी जिसमें कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसे कहाँ पे लगाना है। तो ये आपको बड़ी सावधानी से निकालना है क्योंकि और उसके पहले आप इसे टिश्यू पेपर या कोई भी एक साफ कपड़े से साफ कर लीजिए। अब इसे आपको लगा देना है इसके साइज के हिसाब से। अब इसे पूरी तरीके से आप उसे स्टिक कर दीजिए। ये वन साइड का माउंट है जो लग गया, अब सेकेंड जो है माउंट ये आपको लगाना है आपके हेलमेट के ऊपर। जैसा कि हमने पहले से मार्किंग करके रखी है तो अब इसे यहाँ पे स्टिक करना काफ़ी इजी होगा। तो अब क्या करना है, ये पीछे वाला ब्लू का कवर निकालना है। ये हो गया, अब इसे बड़ी सावधानी से लगाना है आपको। जहाँ पे अगर आपने मार्कर नहीं बनाया है समझो अगर आप, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे कहाँ पे स्टिक करना, और स्टिकर इतना पावरफुल है कि एक बार अगर ये चिपक गया तो फिर आप इसे निकाल नहीं सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मार्क किए हुए पोर्शन पे ही लगे वो। ये देखिए, ये मैंने जो मार्क किया था ये अब इसे वापस मैंने वहाँ पे लगा दिया। ये मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट जगह लगाएं, ज़रा सा भी प्ले नहीं है और काफ़ी स्टडी है। मैं इसके वजन से देखिए हेलमेट को भी उठा सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं इसकी स्टिकनेस कितनी अच्छी है। ये देखिए, ये है फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि जो हेडसेट मिला है मैंने इसे ऑलरेडी लगा के रखा है, मैं उसे निकाल के दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि उसे किस तरीके से और कहाँ फिट करना है। एक चीज़ और बता दूं, कुछ हेलमेट ऐसे होते हैं जिनमें ये फिक्स होता है ग्लू स्टिक लगा हुआ, बट इस हेलमेट में और बहुत सारे हेलमेट जो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के हैं उसमें आपको ये डिटैचेबल मिलते हैं और ये पॉसिबल होते हैं। ये रिपीट के ऊपर बैठे होते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप हेलमेट अगर चूज़ करते हैं ब्लूटूथ के लिए तो एक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक हेलमेट कोई भी कंपनी का हो जिसमें कि ये सारे फीचर्स हों वो आप अगर ख़रीदते हैं तो आपको ये ब्लूटूथ उस पर इंस्टॉल करने में काफ़ी आसानी होगी।
क्योंकि अगर आप सस्ते वाले हेलमेट लेते हैं और उसके जो ये सब पोर्शन होते हैं वो उन्होंने ग्लू से ऑलरेडी उसे स्टिक किए हुए होते हैं, तो ये सब रिमूवेबल नहीं होता। तो आप हेलमेट खरीदने के टाइम ये ध्यान दीजिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक पीस है और ये रिमूवेबल पार्ट है मेरा, मैंने इसे ऐसे निकाल दिया है। और माइक के लिए आपको करना क्या है कि ये इसे अपने माउथ पीस के हिसाब से, और अगर आपका फ्लिप ऑफ हेलमेट है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये इसके सेट होने के बाद अंदर ही फिट हो काफ़ी इजीली। तो इसके लिए आपको एक मार्किंग बनानी है, सेम मार्कर आप यूज़ कीजिए। ये मैंने मार्क बनाया अभी और आप देख सकते हैं। ये मार्क क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक हेलमेट के हिसाब से ये माइक का जो माउथ पीस है वो प्रॉपर फिट हो सके। ये देखिए, मैंने मेजरमेंट अच्छे से लिया है और मैंने वो मार्क बना दिया। अब इसके पीछे भी सेम स्टिकर सिस्टम है और ये आपको स्टिक करना है आपके मार्क वाले पॉइंट के पास, जहाँ पे कि माइक का जो वेलक्रो पोर्शन है वो आपको वहाँ पे लगाना है। इसको निकालते वक्त एक सावधानी बरतिएगा, इस पर फिंगर वगैरह ना लगे, नहीं तो इसकी स्टिकनेस में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमारे हाथों में ऑलमोस्ट नेचुरल वैक्स होता है। तो आप उसे लगाते वक्त ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसे फिट कर देता हूँ जहाँ पर मैंने मार्क लगाया। ये देखिए, काफ़ी ईजी है। ये सेकेंड स्टेप है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से वेलक्रो लगा देना है और माइक के पोर्शन को मैंने इस तरीके से सेट किया। ये आपका बैठ गया माइक प्रॉपर। अब इसमें बारी आती है और ईयर पीस पे। तो मैंने क्या किया है, ये मैंने दोनों मेरे जो चीप पोर्शन है ये मैंने निकाल दिया है। आपको ईयर पीस बिठाने के पहले एक चीज़ का ध्यान देना है, तो आप हेलमेट पहनिए और पहनने के बाद आपके ईयर की पोजीशन के हिसाब से आप वो मार्क एक रखिए, ताकि आपको सेम जैसा माइक के लिए आपको दिया हुआ एक ग्लू वेलक्रो, ये वैसे ही आपको वहाँ पे भी उसे लगाना है। तो मैंने मेरा मेजरमेंट ले लिया है और मेरे ये दोनों ईयर पीस हैं, मैंने मेरा पोजीशन सेट कर लिया है कानों के मेजरमेंट के हिसाब से। ये पोर्शन परफेक्ट है, ये मैंने इस पर बिठा दिया। अब आई सेकेंड ईयर की बात, दूसरे कान के पीस के ये रहा और सेम जगह, तो पोजीशन यहाँ पे आने वाली है इस जगह पे। मेजरमेंट आपको खुद से लेना होगा, क्योंकि हेलमेट तो कॉमन होता है लेकिन हमारे फेसेस और हमारे ईयर के पोजीशन वगैरह सब अलग अलग होते हैं। जितना प्रिसाइजली आप इसे सेट करोगे उतना ही कॉन्वीनियंट होगा राइड के वक्त आपको। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने ईयर पीस जो है स्पीकर उसके वेलक्रो अटैच कर दिए। अब इसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये जो अटैचमेंट आया है आपके लिए ये एक डबल सेफ्टी के हिसाब से है। तो पहले मैं इसे बिठाऊंगा और फिर उसके बाद मैं हेडसेट के पूरे सब सेटअप को लगाऊंगा। ये उन्होंने एलएनजी दिया हुआ है उसके साथ बॉक्स में, और नहीं तो आप स्टार स्क्रूड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है वेलक्रो के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये काफ़ी फिक्स कर देगा एक तरीके से, क्योंकि वेलक्रो के बाद अगर आप ये क्लैंप यूज़ करते हैं तो आप फिर इसे डिटैच नहीं कर सकते, आपको ये परमानेंट वहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आप ये क्लैंप नहीं यूज़ करते हैं तो आप वेलक्रो से आप आपके ब्लूटूथ को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। मुझे ये इस पर परमानेंट के लिए करना है, ये वेलक्रो फिक्स और ये ब्लूटूथ फिक्स। अब ये पीस दिखाने की बारी। ये बैठ गया मेरा ये वाला पोर्शन,
मैनेजमेंट का, और ये बैठ गए रिपीट फिक्स। ये मेरा माइक पोर्शन, और ये यहाँ पे मैंने वेलक्रो लगाया है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे एक जो राइट और लेफ्ट ईयर पीस दिए हुए हैं उसे मुझे बिठाना है उसमें। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बस बहुत ही इजी है इसके आगे का प्रोसेस। केबल का जो अरेंजमेंट है वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं ईयर पीस। तो इसी तरीके से आपको राइट वाला भी फिट करना है। ये मैंने इस पे वेलक्रो फिट किया हुआ है, इसे इस साइड में ज्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं है, तो ये काफी इजीली फिट हो जाएगा। ये रिपीट मैंने सेट कर दिए। इसमें केबलिंग है, तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये बैक साइड रिमूवेबल है, तो आप हेलमेट के इन साइड से भी ले सकते हैं। मेरे हेलमेट में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ग्रूव्स बना हुआ है, तो ये केबल उसमें वहाँ से मैं उसे रन करूँगा। पहले इसे फिट कर लेता हूँ। अब कई तरीके से आप अपने केबल को अंदर सेट कर सकते हैं, जहाँ भी पॉसिबल हो, क्योंकि वो पहनने और निकालते वक्त आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आपको उसे प्रॉपर फिक्स करना है। वो आप अपने जजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये केबल पोर्शन जाएगा इसके अंदर, और ध्यान दीजिएगा केबल कहीं से कटे वटे नहीं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बैठ गए रिपीट, दैट्स इट। ब्लूटूथ माइक पीस और ईयरफोन अपनी जगह सेट हो चुकी है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तीन पॉइंट, फर्स्ट माइक को आपको एडजस्ट करना है। अगर आपका फ्लिप ऑफ हेलमेट है तो वो उसे डिस्टर्ब ना करे, अगर आपका फुल फेस हेलमेट है तो आप उसे इजीली आपके जो पैडिंग है उसे आप रिमूव करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड, वेलक्रो की पोजीशन और उसका क्लैम्प। थर्ड, आपके कानों के पोजीशन के हिसाब से आपके हेलमेट में जो ईयर पीस का वेलक्रो है वो आपको सेट कर दिया। मैंने इसे जिस तरीके से किया है इसमें आप देख सकते हैं, मुझे आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। ब्लूटूथ का मतलब आप इसे अपने मोबाइल से अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो आप राइड पे चलते हुए बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो ये लीगल नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लॉ में हैंड्स फ्री पे बैन है वाइल राइडिंग। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बहुत सारे राइडर यूज करते हैं, तो राइड को काफी इजी बना देता है। आप चलते हुए बात कर सकते हैं और किसी का भी फोन पिकअप कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर इंटरकॉम फैसिलिटी है। इंटरकॉम क्या है, जो आप पर्सन टू पर्सन टॉक कर सकते हैं। ये तीन डिवाइसेस को पेयर कर सकता है, मतलब ए दिस वन, बी और सी, दो और डिवाइसेस को पेयर कर सकता है। इसका मतलब जब तीन राइडर, आप तीनों 1 किलोमीटर के रेंज में अगर हैं तीन राइडर, तो आपस में बात कर सकते हैं। कोई राइडर पीछे छूट गया है तो वो इन्फॉर्म कर सकता है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब आप समझ सकते हैं, आपने अगर राइड किया होगा, आप अगर पीछे छूट जाते हैं, आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ, आपके दोस्त 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे निकल गए और निकलते ही चले जाते हैं, जब तक आप रुकते हो, आप मोबाइल निकालोगे और जब तक आप उन्हें इन्फॉर्म करोगे तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो 1 किलोमीटर के रेंज में मेरे ख्याल से जब हम दोस्तों के साथ राइड पर जाते हैं तो हम ऑलमोस्ट आगे पीछे ही रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कोई दोस्त पीछे छूट गया, तो ये डिवाइस अगर उसके पास है और वो कनेक्टेड है हमारे साथ, तो उसे हमें इन्फॉर्म करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको
अगर पसंद आया तो आप एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू दोस्तों. Everything changes.